नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं, वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू सिस्टर। हम कार्मिक अकाउंट की बात कर रहे थे, दुआओं की बात कर रहे थे, पिछले हमारे संस्कार की वजह से जो परिस्थितियों को ब्लेम करते थे, अपने आप को अपने नेचर को बदलने की कोशिश करके कैसे हम कर्म ठीक करें, ये सारी बातें तो समझ में आती है। लेकिन बचपन से एक बात हमेशा सुनते आए हैं, अल्लाह मालिक है, गॉड इज ग्रेट, भगवान की मर्जी, जो तुझ भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। तो यहाँ भगवान की जो की कृपा है, जो शब्द है, उसका क्या रोल है? जैसे आपने कहा कि परिस्थितियां आएंगी, हम उनको ब्लेम करते थे, अब हमने वो स्टॉप किया और हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी शुरू की कि नो, इट्स माय रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन, राइट? वी रीच दैट स्टेज। पहले वी वुड से नो, इट्स बिकॉज ऑफ देम। सो वट एवर आई वॉज फीलिंग, वेदर इट वॉज पेन और वट एवर, आई वुड कन्वीनियंटली पुट इट ऑन समबडी एल्स सो दैट आई डिड नॉट हैव टू डू एनीथिंग। जैसे अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया और मैं हर्ट हुई, तो अर्लियर इट वॉज वेरी इजी, क्योंकि इट वॉज उन्होंने ऐसा किया सो आई एम हर्ट। तो मुझ पर अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं होती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज। ऑल्सो ऐसा लगता था जो मैंने किया ठीक किया, ठीक किया ना, तो ठीक किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कोई, ब्लेम था। तो गिल्ट भी कहीं नहीं थी, गिल्ट भी नहीं था एंड परिवर्तन होने की जिम्मेवारी भी तो नहीं थी। तो कितना इजी है जीवन, वो सही एक जीवन किया तो काय का परिवर्तन करने, तो वो एक जीवन है जिसमें दर्द है लेकिन जिम्मेवारी नहीं है टू चेंज। एंड उसमें ये कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं कि जिसने गलत किया उसको दुआएं देना है, वो कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं कि जिसने गलत किया उसके लिए क्या दुआएं देनी है। अब फिर दूसरा आया कि नहीं, वी अंडरस्टूड दिस इज माई कर्मा एंड भले जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन अब मेरा जो रिस्पॉन्स है दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी आई। लेकिन नॉलेज आई, लेकिन जब हम करने जाते थे तो वो करने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जब बात छोटी होती है हो जाता है, जब बात थोड़ी बड़ी होती है तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। और आजकल जीवन में कुछ बातें तो बहुत बड़ी आती हैं एंड इट्स नॉट नेसेसरली अबाउट फॉरगिविंग पीपल, इट्स अबाउट फेसिंग सिचुएशंस ऑफ लाइफ लाइक डेथ इन अ फैमिली, क्रिटिकल इलनेस, ह्यूज अप्स एंड डाउन्स ऑफ बिजनेस, बहुत कुछ हो रहा है रिश्तों में भी। तो जब इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आती हैं और हर परिस्थिति के लिए अपने आप को कहना कि मेरी सोच मेरी जिम्मेवारी है, चाहे परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, आई हैव टू रिमेन स्टेबल। नाउ दिस विद नॉलेज इज ईजी टू अंडरस्टैंड, वी वॉन्ट टू डू इट, लेकिन कई बार बात बड़ी होने के कारण हम कहते हैं हमसे हो नहीं पाता। क्योंकि एक है ज्ञान, दूसरा है उसको करने की ताकत। जैसे हमने कुछ एक एपिसोड्स पहले भी देखा, एडिक्शन छोड़ने का ज्ञान लेकिन एडिक्शन छोड़ने की ताकत, वांट डिजायर एंड ताकत एंड द विल पावर। तो जब मुझ आत्मा को ऐसा लगे कि कोई ऐसा काम है, रोज में भी अगर हम देखें कि कोई ऐसा काम है जो हमसे हो नहीं पाता, हमें करना है लेकिन हमसे हो नहीं पाता, तो हम हमेशा उसमें किसी न किसी का सहयोग लेकर उस काम को कर देते हैं। जब हमारे जीवन में कोई कठिन परिस्थितियाँ आती हैं तो हम अपने से बड़ों के पास जाते हैं, राइट? चाहे वो माता पिता के पास जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं, हम कहते हैं आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं। हम बड़ों की दुआएं क्यों लेते हैं? राइट फ्रॉम जब हम स्कूल में थे तो हम एग्जाम के दिन बड़ों की दुआएं लेके जाते थे। पढ़ाई तो हमने की, एग्जाम भी हमने देना है, जितना हमने पढ़ा है
और कैसा हम परफॉर्म करेंगे वो सब कुछ हमारा कर्म है ना। तो माय परफॉर्मेंस इज माय कर्म एंड व्हाट रिजल्ट आई गेट इन माय एग्जाम इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ माय कर्म। तो उसमें मुझे बड़ों के आशीर्वाद की जरूरत क्यों थी, उसका क्या रोल होता होगा, वो रोल भी कोई प्ले करेगा ना वो आशीर्वाद। तो हम क्यों कोई भी काम करने से पहले, चाहे वो एक बच्चा एग्ज़ाम से पहले, चाहे आज भी हम कोई जीवन में घर से बाहर निकल रहे हैं या कोई बड़ा काम कर रहे हैं या हमारे जीवन में कोई संकट आई है, तो हम अपने से बड़ों की आशीर्वाद लेते हैं, घर के बड़ों की लेते हैं या अब हम संत महात्माओं के पास भी जाते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करो, हमें आशीर्वाद दो कि ये काम ठीक हो जाए। कर्म हमारा है, कॉन्सिक्वेंस भी हमारा है, तो उनकी आशीर्वाद क्या करेगी? मुझे लगता है कि आशीर्वाद से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि भाई इनका आशीर्वाद मिल गया ना, अब मेरा ये काम हो जाएगा। और कभी कभी आशीर्वाद देते देते कोई ऐसा उनकी तरफ से एक एक्सपीरियंस का पॉइंट मिल जाता था कि भाई देखो अगर वहाँ थोड़ा शांत रहना, फॉर एग्जाम्पल, या ज्यादा बार्गेन नहीं करना, कोई ना कोई अच्छा एक पॉइंट भी मिल जाता है और एक कॉन्फिडेंस आता है कि इनका आशीर्वाद मिल गया, अच्छा हो जाएगा। अब ये जो कॉन्फिडेंस है ये क्यों आता है, क्योंकि जिनसे हम आशीर्वाद लेते हैं उन्होंने हमारे लिए क्या क्रिएट किया, गुड विशेस, बहुत प्योर एलिवेटेड पावरफुल थॉट, एक ऐसा संकल्प जिसमें प्योरिटी भी है लेकिन ऐसा संकल्प जिसमें पावर भी है। क्यों उस संकल्प में पावर है, क्योंकि वो एक पावरफुल आत्मा ने क्रिएट किया है। हम घर के पेरेंट्स से भी आशीर्वाद लेते हैं लेकिन फिर भी हम संत महात्माओं से आशीर्वाद लेने क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे परिवार से ज़्यादा प्योर और शक्तिशाली आत्माएं हम संत महात्माओं के पास जाते हैं। हमारा परिवार खुद, हमारे बड़े भी वहाँ जाते हैं ना, क्यों जाते हैं? के भी बड़े हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बड़े हैं उनकी हमारे प्रति शुभ भावना है, लेकिन उनकी थॉट्स में कभी कुछ फियर के हाँ हो जाएगा ना, अपने बच्चे के प्रति अटैचमेंट, तो उसके प्रति कुछ चिंता भी, कोई एंजाइटी भी, इस बार तो हो जाना चाहिए, पिछली 3 बार ठीक नहीं हुआ, तो ये थॉट्स जब थोड़ी सी मिक्स होती हैं तो उनकी थॉट्स में वो आशीर्वाद है लेकिन संकल्पों में वो शक्ति नहीं है। लेकिन जब हम संत महात्माओं के पास जाएंगे वो हमारे से बिल्कुल डिटैच्ड है। अब डिटैच्ड होने के कारण उनके थॉट्स में कोई फियर, एंजाइटी, अटैचमेंट नहीं है, तो उनकी थॉट हमारे पेरेंट्स की थॉट से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। वन पॉइंटेड है ना, ओनली टू गिव दुआ। हाँ, फियर नहीं है, कुछ मिक्सचर नहीं, मतलब नेगेटिविटी नहीं, अडल्ट्रेशन नहीं है, मिक्स, कोई चीज का मिक्सचर नहीं है, राइट, स्ट्रेट वन पॉइंट क्लीन प्योर थॉट है कि अच्छा मेरा आशीर्वाद है आपको, आपका भगवान आपका भला करे, ब्यूटीफुल। तो मतलब हम फिर हमारे से ऊपर हमारे पेरेंट्स और टीचर्स, उनकी आशीर्वाद, लेकिन फिर ऐसे कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो उससे भी ऊपर हमें संत महात्माओं की आशीर्वाद। किन आत्माओं की ले रहे हैं, जिनकी थॉट्स हमारे कार्य के प्रति, हमारे प्रति प्योर एंड पावरफुल है। अब जब हम ये आशीर्वाद लेते हैं, ये आशीर्वाद हमें क्या करेगी, उन्होंने एनर्जी रेडिएट की, मुझ आत्मा ने उस एनर्जी को रिसीव किया, विच मीन्स इफ़ आई एम अ बैटरी विच नीड्स पावर, तो मैंने एक ऐसी बैटरी से जाके कनेक्शन जोड़ा जो मुझसे ज़्यादा चार्ज थी, तो उधर से मुझे पावर ट्रांसमिट हुई, तो मैं आत्मा बैटरी क्या हुई, थोड़ी सी चार्ज हुई, तो मेरा उस कार्य करने के प्रति जो शक्ति थी वो बढ़ गई, जिसके लिए आपने कहा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कॉन्फिडेंस बढ़ गया मीन्स मेरे अंदर की जो डाउट और फियर की नेगेटिविटी थी वो थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि मुझे वहाँ से पावर और प्योरिटी मिली, राइट। अब इस पावर और प्योरिटी के साथ हम उस कार्य में गए और हमें सफलता मिली। तो जब हमें उस कार्य में सफलता मिलती है, हम क्या कहते हैं, उनकी कृपा से ये कार्य हो गया। उनकी कृपा से ये कार्य हो गया डज नॉट मीन कि
उन्होंने कहा था हो जाएगा इसलिए हो गया, नो, उनकी कृपा से कार्य नहीं हो जाता है, उनकी कृपा से मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ती है। अगर वो मेरे लिए दुआ करें, आशीर्वाद दें, लेकिन मैं आत्मा उसको रिसीव नहीं करूं, मतलब मैं अपनी ही एंग्जाइटी और पेन में अभी भी हूँ, तो कल जरूरी नहीं है कि मुझे उस कार्य में सफलता मिलेगी। तो फिर उनकी कृपा का क्या हुआ? So it's not going to work every time because there's one factor in between and that is me. तो आत्माओं की कृपा आत्माओं के लिए है, उनकी कृपा कार्य के लिए नहीं है। आज कई बार जब हम उनके पास जाते हैं तो हम कहते हैं महात्मा जी कृपा करो कि मेरा ये काम हो जाए। ये लाइन सही नहीं है। फिर क्या लाइन सही है? आशीर्वाद दो कि मुझे आत्मा में इतनी शक्ति भरे कि मैं ये अपना काम ठीक से कल कर लूं। हाँ तो वही हुआ ना, जैसे मैं स्विमिंग का चैंप था स्कूल में, तो स्विमिंग चैंपियनशिप से पहले मैं अपने स्टाफ से बोलता था डैडी की दुकान में कि मुझे एक अच्छी अच्छी ऐसी गोली दो जिससे मैं खूब शक्ति आए मेरे में, मैं फर्स्ट आ जाऊं। राइट, तो वो विटामिन सी पकड़ा देते। ठीक है, तो उन्होंने गोली दी ना। लाइन क्या थी कि मैं अपने स्विमिंग में इतनी अच्छी स्विम करूं कि फर्स्ट आऊं। फर्स्ट आऊं, तो वो आपको गोली दे सकते हैं। हाँ, गोली खाना मेरा काम काम है और उसके बाद स्विम करना मेरा काम। उनकी गोली आपको रेस में विन नहीं करा सकते। माय फेथ इन देम, इन द गोली एंड माय हार्ड वर्क, यू हैव टू टेक दैट गोली फर्स्ट। हाँ, एंड देन योर एफर्ट। एक है आपने जाके स्टाफ से गोली ली, एक है आप अपने स्विमिंग टीचर के पास भी गए क्योंकि आज आपका कंपटीशन है, तो जिन्होंने आपको ट्रेन किया है इतना समय, तो उनसे तो मिलेंगे ना एक बार कंपटीशन में जाने से पहले। वो क्या देंगे आपको? वो भी पैट कर रहा जा। हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं? उनके पैट करने से आप फर्स्ट नहीं आएंगे, उनके पैट करने से आपकी शक्ति बढ़ेगी और फिर आपकी शक्ति से आप फर्स्ट आएंगे। ये छोटी बात लगती है लेकिन है बहुत बड़ी, क्योंकि आज हम कहते हैं कृपा करो मेरे बच्चे की शादी हो जाए, कृपा करो मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, कृपा करो मेरा बेटे का काम ठीक नहीं चल रहा वो ठीक हो जाए, मतलब कृपा आप करो ये काम ठीक हो जाए। फिर काम जब ठीक हो जाता है हम कहते हैं उनकी कृपा से हो गया, नहीं जब होगा तब क्या कहेंगे? कल चलो कोई दूसरा आदमी ढूंढते हैं, वो भी बात है। हाँ, क्योंकि उसकी कृपा में दम नहीं की और कोई और सदर ढूंढते हैं। See, because when we are going through a failure or through a crisis, we just need someone to pull us out. Insecure कितना हो जाता है? हाँ, तो उस समय पर अगर कोई और आपको कहे कि मैं उधर उधर गया, उधर उनसे मिला, उनकी कृपा से मेरा काम हो गया, तो हम उधर चले जाएंगे क्योंकि हमें लगता है कोई कृपा कर देगा और हमारा काम हो जाएगा। संत महात्माओं की क्या पावर है, वो हमें प्योर वाइब्रेशंस दे सकते हैं, हमें उसको लेना है और अपना काम करना है। तो कृपा उनकी ये है कि आत्मा की शक्ति बढ़ती है। अब अगर संत महात्माओं की दुआओं से या उनके प्योर वाइब्रेशन से आत्मा की शक्ति बढ़ती है तो परमात्मा की वाइब्रेशन से क्या होगा? कितने गुण ज्यादा होगा। राइट, लेकिन परमात्मा से बात करना, परमात्मा को कनेक्ट करना, परमात्मा को जानना, आपको प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना है तो पहले सेक्रेटरी से बोलना पड़ता है। ठीक है, तो फिर हम सोचते थे भाई भगवान के ये सब सेक्रेटरी इतने बड़े बड़े, इनसे बात कर लेते कि आप जरा बोल दो। देखो वो प्योर आत्मा है, ठीक है, वो बैटरी है, मैं भी बैटरी हूँ, वो भी बैटरी है, लेकिन मुझे उनकी पावर अपने से कई गुना ज़्यादा दिखाई देती है, तो इट्स गुड। हम उनसे राय लेते हैं, हम उनकी प्योर वाइब्रेशंस लेते हैं। I don't think it's good. That's making me weaker, I feel. No, किसी से भी आशीर्वाद लेना। Supposing मेरा बेटा बोले कि मेरी बेटी को कि जरा डैडी को बोलना मुझे आशीर्वाद दे दे, तो आपका बेटा आपकी बेटी को, मतलब अपनी सिस्टर को बोले कि आपकी आशीर्वाद ले आए, ये नहीं होने वाला। लेकिन आपका बेटा अपनी सिस्टर से वैसे तो आशीर्वाद मांग सकता है ना। हाँ, तो राइट, तो नाउ वी हैव टू बी क्लियर
कि हमें किससे क्या क्या मिल सकता है, पेरेंट्स से मिली दुआ? आई वॉज नॉट क्लियर इन दिस, यही तो आपको बता रहा हूँ मैं. हाँ. मैं समझता था कि ये जो जितने महात्मा है, गुरु है, इनकी जो बात भगवान सुनता है जल्दी, इनका कनेक्शन है तो मैं इनको बोल दूंगा, वो बोल देंगे. मेरा कनेक्शन है ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ. हाँ, तो हम आत्माओं की कृपा से अपने अंदर इतने मिरेकल्स क्रिएट कर रहे थे, हमारे कितने कार्य सफल हो रहे थे. अब अगर हम एक स्टेप और ऊपर चलते हैं कि अगर आत्मा की एनर्जी मुझे मिले, किसी पवित्र आत्मा की एनर्जी मुझे मिले, तब मेरे अंदर इतना चेंज आ जाता है. तो अगर परमात्मा की एनर्जी मुझे मिले तो क्या चेंज आएगा? मिरेकल्स का भी मिरेकल. अब परमात्मा की कृपा, जो आपने फर्स्ट लाइन कही कि ये सब जो हम पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं कि परमात्मा की कृपा से होता है ना, सारी जो आपने लाइन्स कही शुरू में, तो परमात्मा की कृपा भी क्या? जैसे संत आत्माओं की कृपा आत्मा को चार्ज करेगी, ऐसे परमात्मा की कृपा भी क्या करेगी? आत्मा को चार्ज करेगी. राइट. अब जैसे हमने देखा कि पेरेंट्स की शुभ भावना में थोड़ी सी मिक्स चैरिटी होगी ऑफ वरी एंड फियर एंड डाउट एंड अटैचमेंट, तो उससे ऊपर किसकी वाइब्रेशन है? संत महात्माओं की. क्यों? डिटैचमेंट है. लेकिन संत महात्माएं भी शरीर में है. करेक्ट. कलयुग में है ना, कलयुग में है. और कलयुग में कोई भी आत्मा 100% सोल कॉन्शियस नहीं हो सकती है. वो कलयुग में है, बॉडी में है, तो बॉडी कॉन्शियस है. तो उसमें हमारे से बहुत कम, लेकिन थोड़ा अहंकार, थोड़ा कोई बॉडी कॉन्शियस थोड़ा है. इट विल बी वेरी लिटिल, बिकॉज कंपेयर टू अस we will say as good as nothing. But when we are going to now compare to that supreme power, जो शरीर नहीं ले रहा है, जो सुप्रीम है प्योरिटी और पावर में, तो जब संत महात्माओं की वाइब्रेशन इतनी प्योर है, तो परमात्मा की वाइब्रेशन कैसी होगी? There will be a difference, ना? जैसे हमारे पेरेंट्स की वाइब्रेशन बहुत प्योर है, लेकिन उनसे भी बेटर हमने कहा संत महात्माओं की वाइब्रेशन, फिर उनसे भी ज़्यादा प्योर एंड पावरफुल तो परमात्मा की वाइब्रेशन. तो ये परमात्मा की वाइब्रेशन को जब हम अपने जीवन में लेना शुरू कर देंगे, कैसे लेंगे, क्या करेंगे, वील सी, लेकिन जब लेना शुरू कर देंगे, तो वी हैव टू नाउ ओनली इमेजिन कि व्हाट विल दैट डू इन माई लाइफ, मेरे जीवन में क्या फ़र्क आएगा उससे. आपने कहा बड़ों की आशीर्वाद लेने से कॉन्फिडेंस आ जाता था, राइट? एंड एक कोई राय भी मिल जाती थी, और वो कॉन्फिडेंस और राय हमें सक्सेस दिला देता था. परमात्मा की वाइब्रेशन से क्या मिलेगा? परमात्मा की वाइब्रेशन से हमें कुछ मिलेगा. परमात्मा की वाइब्रेशन से हमें कितनी पावर मिलेगी, 100% कितनी प्योरिटी मिलेगी, एंड परमात्मा के ज्ञान से हमें सही राय मिलेगी. जब ये सब कुछ मिलेगा, तो आत्मा की शक्ति कितनी बढ़ेगी, तो फिर उस कार्मिक अकाउंट को फेस करना वेरी इजी, इट विल बिकम इजी. तो जो भी कार्मिक अकाउंट हमें इंडिविजुअल कैपेसिटी में करने में मुश्किल लग रहा है, कि समझ में आ गया लेकिन हो नहीं रहा, या जिसके लिए हमने कहा विल पावर की कमी है, या बात इतनी बड़ी है कि मैं स्टेबल नहीं रह पाती, ये सब क्यों है? क्योंकि मुझ आत्मा की शक्ति कम है. तो मुझे अगर परमात्मा की शक्ति एडिशनल मिल जाए और उससे मेरी बैटरी चार्ज हो, तो वही काम जो मुझे करना अभी मुश्किल लग रहा है, वो काम क्या हो जाएगा? आसान. वो इजी हो जाएगा. उसको हम कहेंगे परमात्मा की कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद. लेकिन उसमें भी हमने इक्वेशन में थोड़ा सा एक पार्ट जो अपना मिस कर दिया था, कि परमात्मा की कृपा मुझ आत्मा पर, फिर मुझ आत्मा को वो कर्म करना है. हमने अपने को बीच में से हटाया और हमने कहा जो हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? भगवान की. वो भगवान की मर्जी से हो रहा है. वो एक, जब हम अपना रोल बीच में से हटा देते हैं, तो इक्वेशन ठीक नहीं बैठती फिर. Now we only have to have the equation set right. और ऐसा भी हो सकता है सिस्टर, कि पहले हम ब्लेम करते थे परिस्थिति को,
एक 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 को करते थे, फिर इससे हटके फिर भगवान की मर्जी ऐसी थी तो हुआ, यहाँ से हटे फिर वहां आ गए। हाँ, करते हैं, छोटी चीजों में मनुष्य आत्माओं को ब्लेम करते हैं। जहाँ हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं हम वहाँ ब्लेम करते हैं, जहाँ हम यहाँ किसी को नहीं ब्लेम कर सकते तो हम कहते हैं ईश्वर की भावी, उसकी मर्जी के आगे क्या चलता है। हर चीज़ में तो हमने कहा उसकी मर्जी के आगे किसकी चलती है, मतलब जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी से। क्यों? क्योंकि उसकी कृपा का रोल क्या है वो इक्वेशन ठीक से न समझने के कारण हमने कहा उसकी मर्जी से। ज्ञान जेनरेशन्स टू जेनरेशन्स पास डाउन होता है ना, और उसमें फिर वो बातें कई बार क्या हो जाती हैं, डाइल्यूट हो जाती है, या उस बात का जो सही मीनिंग होता है वो मिस हो जाता है। किसी ने कहीं कहा होगा कि परमात्मा की शक्ति से मैंने ये कार्य किया और मेरा कार्य सफल हुआ, सामने वाला ने कहा होगा परमात्मा की कृपा से हो गया, तीसरे ने कहा परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ होता है। जैसे तहजीब में कहते हैं कि भाई मुबारक आपका ये काम तो अच्छा हो गया, तो आपकी कृपा से हुआ। हाँ, आपकी दुआ से हुआ, ऊपर वाले की मर्जी से हुआ, मेरे माता पिता का आशीर्वाद हुआ। यू नो दे डोंट शो कि आई एम द, अपना वो ईगो नहीं दिखाने के लिए। तो करते 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 चीज जो है मिक्सचर होते होते किसका मीनिंग कौन क्या निकालता है बोली, दिस इज व्हाट, या दिस इज व्हाट, एक एक जगह एक एक का तरीका है बात करने का। अब उसका तरीका वो नहीं समझे, इसका ये नहीं समझे, लिखने वाला कुछ लिखा, सोचने वाला कुछ सोचा, फिर टीचर पढ़ाने वाला कुछ पढ़ा दिया, घर के समझने वाला ने कुछ समझा, ज्ञान का भी बहुत कंफ्यूजन हुआ हुआ है। जो हमें ज्ञान दे रहे हैं या इतने जेनरेशन से देते आए हैं, हर एक की इंटेंशन बहुत प्योर है, हर एक का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी बहुत क्लीन है, लेकिन इंटरप्रिटेशन, इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स ओनली एन इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन, यस, आज अगर हम एक आर्टिकल ही पढ़ लें, एक आर्टिकल भी छोड़ो, एक एक थॉट फॉर टुडे ही पढ़ लें, तो दो लोग भी अगर उस थॉट फॉर टुडे को पढ़ेंगे तो दो लोगों का उसको समझने का तरीका, फिर उसको परसीव करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये तो डिफरेंट होगा ना। सही बात है, उसपे डिबेट्स चलते हैं, आर्गुमेंट चलते हैं। अच्छा, सपोज यू एंड मी रीड वन लाइन जस्ट नाउ, जी, ठीक है, लाइन बहुत सिंपल होगी, लेकिन दो लोगों के संस्कार अलग, दो लोगों की इंटेलेक्ट अलग, दो लोगों की वर्तमान सिचुएशन लाइफ में अलग। हम जब कुछ पढ़ते भी है ना, वी कनेक्टेड टू व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, हम उसको उसके अनुसार लेते हैं। तो आपका और मेरा उसी लाइन को समझने का तरीका थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं अलग होगा, लाइन सिंपल सी है, ठीक है, लेकिन आप और मैं फिर पांच पांच और लोगों के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग सिमिलर हो सकती है, लेकिन हम जब किसी और को एक्सप्लेन करेंगे तब आपका और मेरा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा और फर्क आ जाएगा। तो सपोज अंडरस्टैंडिंग में 5% का डिफरेंस था, एक्सप्लेनेशन में 20% का डिफरेंस आ गया, फिर पांच लोगों ने उसको अंडरस्टैंड किया, ठीक है, तो पांच लोगों का भी 5% और फर्क हो गया। तो जो पांच लोगों को आपने एक्सप्लेन किया, जो पांच लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया, उनका आपस में डिफरेंस क्या हो गया, आपका और मेरा डिफरेंस सिर्फ 5% था, लेकिन उनका आपस 25% हो गया, फिर उन पांच ने और 10 को एक्सप्लेन किया, करते करते 200-300 फर्क आ जाएगा। करते करते अब जिन्होंने आपसे सुना वो कहेंगे हमने इनसे सुना है, और वो 10 जेनरेशन नीचे पास डाउन करते हैं उस बात को, 10 जेनरेशन ने मेरे से सुना और नीचे पास डाउन किया, आपके और मेरे ओपिनियन में सिर्फ 5% का फर्क था, लेकिन 10 जेनरेशन पास डाउन होते होते एंड देन इट विल साउंड कि व्हाट यू शेयर्ड एंड व्हाट आई शेयर्ड वाज कंप्लीटली डिफरेंट, वेयर एज व्हाट यू शेयर्ड एंड आई शेयर्ड वाज नॉट रियली वेरी डिफरेंट, इट वाज नॉट, बट व्हेन इट विल पास डाउन, तो अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन देन शेयरिंग देन अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन देन शेयरिंग, वो करते करते कई बार
जिसने हमें वो बात सुनाई थी उसका उसके पीछे का जो भाव था, तो वो चार लाइन पास डाउन होते होते भाव कई बार थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम कुछ सिर्फ ट्रांसलेट ही अगर करवा लें किसी से, इंटरप्रेट भी नहीं करें, हम ट्रांसलेट करवा लें, उसमें भाव चेंज हो जाता है। तो जब ट्रांसलेशन में भाव चेंज हो जाता है, तो कुछ जेनरेशंस पासिंग डाउन में भाव क्यों नहीं चेंज होगा? गांव में कहते हैं कि 20 कोस, वहाँ लैंग्वेज भी बदल जाती है। तो लैंग्वेज बदलेगी तो थोड़ी सी बात बदल जाएगी। हाँ, तो वर्ड्स के मीनिंग बदलते जाते हैं ना। अगर आप 100 साल में देखे हैं अभी तक, कई वर्ड्स के जो मीनिंग तब थे उसके बाद बदलते बदलते कुछ और हो गया। हाँ, तो अब जो आपने फर्स्ट लाइन कही थी कि परमात्मा का फिर क्या रोल है, परमात्मा की कृपा, तो अब जो हम समझ में आता है, जो हम आसपास सुनते हैं कि परमात्मा की कृपा से सब कुछ हो रहा है, दिस इज समवेयर एन इंटरप्रिटेशन दैट हैपेंड विच वी सॉ इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स, कि अगर परमात्मा की कृपा से दुनिया चल रही होती तो दुनिया बहुत ब्यूटिफुल होती। लेकिन परमात्मा की कृपा क्या है? परमात्मा की प्योरिटी, परमात्मा की पावर और परमात्मा का ज्ञान, वो उनकी कृपा है। उसको हमें लेना है, अपने को एम्पावर करना है और फिर अपने जीवन में यूज करना है। फिर वो मिरेकल्स कैसे होंगे वो फिर हम देखेंगे। हमने परमात्मा की कृपा और परमात्मा की मर्जी, उसमें भी बहुत ज्यादा इसमें, तो उसको परमात्मा की मर्जी कह दिया ना। हाँ, वो भी कह दिया ना, वही तो वो जो आपने कहा ना, वर्ड्स थोड़े 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 क्या होते जाते हैं। कृपा बोली, उसने बोला तेरी मर्जी, लेकिन मीनिंग ही चेंज हो गया ना पूरा। हाँ, किसी ने बोला तेरी रजा में राजी, मतलब तेरी जो मर्जी है दाई विल बी डन सब। मतलब देयर इज अ लॉट टू लर्न। यस, देयर इज लॉट्स टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Everything that we do is our karma, and the result is our consequence. Before performing any important karma, or at the beginning of the day, we take the blessings of our elders. The karma is totally our creation, but the blessings give us power and positivity to remain stable and perform well in that karma. Blessings are pure thoughts which radiate from one soul to the other. We take blessings from family and we take blessings from saints. Family wishes the best for us, but because of their attachment to us, they may also create fear, worry, or anxiety about our success. Saints are elevated souls and are detached from us, so their blessings for us are only pure and positive, and do not have any doubt about our success. Their blessings increase our soul power. Saints are in a body and are living in Kali Yuga, so they might have slight body consciousness. God is the supreme soul, completely soul conscious. If we connect to God and take His blessings, we will also become soul conscious and emerge our original qualities. Then stability and success will become natural. From saints we take their blessings, and we take God's blessings directly from Him.